लोगों ने कल थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम तक कर लिया। तो क्लास की स्टार्ट एक बार कल जो पढ़ाया था उससे एक ब्रीफ क्विक रिव्यू से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट आंसर करना है, नोट्स में नहीं देखना, नोट्स में नहीं देखना, बस आपने क्वेश्चन करना, आता हुआ तो ठीक, नहीं आता हुआ कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा दूंगा। सॉल्व दीज थ्री क्वेश्चंस। नोट्स पढ़ के नहीं बताना, आपने बस देखना है आपको कितना रिवाइज है, कितना याद है। जस्ट आपको कल का टेबल रिवाइज करवाना, बट
आई एम एक्सपेक्टिंग यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस विद योर फुल ऑनेस्टी. और ये भी नहीं सोचना अरे मैंने रिवाइज नहीं किया मैं नहीं करूंगा. कोशिश करो चाहे सारे गलत करो, चाहे सारे गलत करो, बट कोशिश करो रिवाइज करने की, याद करने की. अगर मैं सेकंड क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करूं, सेकंड क्वेश्चन से मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक वो था जो नाम में मोनो सिंगल, ट्राइक्लिनिक सिस्टम मोस्ट अनसिमेट्रिकल था, ट्राइक्लिनिक बहुत अनसिमेट्रिकल था. अगर उस अनसिमेट्रिकल में मैं एक एंगल बराबर कर दूं, मतलब कोई दो एंगल बराबर कर दूं, बाकी सब वैसे के वैसे अनसिमेट्रिकल, तो मोनोक्लिनिक में दो एंगल बराबर है, सारी साइड्स अनइक्वल है, दो एंगल इक्वल है 90 के, लेकिन तीसरा एंगल जो इक्वल नहीं है 90 के वो बीटा वाला है, बीटा ए और सी लाइन के बीच वाला एंगल, सबसे बड़ी लाइन और सबसे मिडियोकर वाली लाइन के बीच का एंगल बीटा 90 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि यहां दिखाया हुआ. ऑल साइड्स आर अनइक्वल, बीटा इज नॉट 90 बट रिमेनिंग टू एंगल्स आर इक्वल, दिस इज करेक्ट आंसर सी. अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन का नाम दूं, तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, मोस्ट सिमेट्रिकल, ये कौन सा था, क्यूबिक, तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, क्यूबिक. अच्छा दो साइड इक्वल है एक लंबी है, यानी कि खींच दिया मैंने टेट्रागनल, ऑल एंगल्स आर इक्वल पर यह 90 नहीं दिया तो यह टेट्रागनल नहीं है, यह टेट्रागनल नहीं हो सकता. जहां पर दो साइड इक्वल थी एक एंगल अनइक्वल था, हमने ऐसे खींचा था टेट्रागनल में, लेकिन आप हमने सारे एंगल 90 रखे थे तो ये टेट्रागनल नहीं है. और अगर आपको फिर ध्यान में आ जाए कहीं ये हेक्सागनल तो नहीं, हेक्सागनल में भी दो साइड इक्वल थी एक अनइक्वल थी, तो यहां भी दो साइड इक्वल एक अनइक्वल, पर वहां पर एक एंगल 120 था, एक एंगल 120 था और दो एंगल 90 थे, यहां पर उन्होंने बोला तीनों एंगल इक्वल है, यानी कि ऐसा सिस्टम हमने कोई नहीं पढ़ा, ऐसा होता ही नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस इज क्यूबिक. तीनों साइड अनइक्वल है पर एंगल सारे 90 डिग्री है, यानी कि क्यूब को हर तरफ से खींच दिया, अनइक्वली खींच दिया, तीनों साइड अनइक्वल है पर सारे एंगल 90 है, मैच बॉक्स, दिस इज ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक. सो सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर इज सी. ओके
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट. तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल है, पर एंगल कोई 90 डिग्री नहीं है. अगर याद हो, ये टिल्ट करके क्यूब को टिल्ट कर दिया था, टेढ़ा कर दिया था, क्यूब पकड़ा था, उसको ट्विस्ट कर दिया था, हर डायरेक्शन से एक तीनों तरफ से बराबर एंगल से रोटेट करवा दिया. लेकिन साइड सारी की सारी वही है. दिस इज नन अदर देन रोम्बोहेड्रल. वेरी गुड, रोम्बोहेड्रल, जिसका दूसरा नाम क्या था, ट्राइगोनल सिस्टम. ट्राइगोनल, सो दिस सिस्टम एग्जिस्ट. ना कोई साइड इक्वल, पहली बात तो ये ऑप्शन गलत हो गई, या तो साइड के बारे में बात ही नहीं की हुई, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया. सारे एंगल के बारे में बता दिया, साइड के बारे में कोई बताया ही नहीं. सो ऑब्वियसली ये मेरा आंसर बन गया, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. साइड के बारे में तो बताओ, इनकम्प्लीट है क्वेश्चन. ओके, तीनों साइड इक्वल है, पर दो एंगल अनइक्वल है, पर तीसरा एंगल नहीं इक्वल, ऐसा कोई था. अगर मैं यहां भी तो वही गलती है, तीनों एंगल, अरे यहां भी वही गलती है रोम्बोहेड्रल में. ऑब्वियसली ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है. साइड्स वाली चीज थी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी. ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत है. तीनों साइड इक्वल मान लिया, पर दो एंगल इक्वल और बीटा नॉट इक्वल टू गामा. यानी कि यहां पर कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं. अगर किसी को ध्यान में, मोनोक्लिनिक तो नहीं बन रही, मोनोक्लिनिक में तीनों साइड्स अनइक्वल थे, मोनो इक्वल में तीनों साइड्स अनइक्वल थे, तो ये भी ऑप्शन मेरा आंसर है. ऐसा कुछ नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था ऐसा, नॉन एग्जिस्टेंट. दो साइड इक्वल, तीसरी इक्वल नहीं है, पर बीटा 90 के बराबर नहीं, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर है. तो यहां से भी समझ में आएगा, अगर आप इसे मोनोक्लिनिक सोच रहे हो तो मोनोक्लिनिक में तीनों साइड अनइक्वल थी, ऐसा सिस्टम भी हमने नहीं पढ़ा, ये भी हमारा आंसर है. तो इसका मतलब यहां पर चारों ऑप्शन, चारों ऑप्शन ए बी सी डी अलाउड है. यानी कि जब भी आप किसी सिस्टम के बारे में बता रहे हो तो यहां पर साइड जरूर बतानी चाहिए, ये नहीं कि एंगल ही एंगल, साइड्स के बारे में पता होना चाहिए. अब सी ऑप्शन में किसी ने कहा कि सर ये हेक्सागोनल हो सकता था. हेक्सागोनल तब होता है, हेक्सागोनल में याद हो बेस पर दो साइड्स इक्वल थी, हाइट अलग थी. बेस पर दो साइड इक्वल थी, हाइट अलग होती, तब हेक्सागोनल की बात होती. और डी ऑप्शन में ये चीज अगर मैं ध्यान दिला दूं, यहां पर आपको हो सकता है हेक्सागोनल की याद आ रही हो, पर हेक्सागोनल में गामा 120 था, गामा 120 था, यहां उन्होंने बीटा को बोला नॉट 90 और गामा 90, तो ये गलत गलत है. गामा वॉज 120, तो ये भी नहीं हो सकता. आप मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हुए किसी के? फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट, वेरी गुड अमरदीप. एंड आई रियली होप जिनका ठीक हुआ, इसका मतलब अगर आपने कल का जस्ट कल नोट्स पढ़े और आज कुछ भी याद है, बहुत बड़ी बात है, लाइक एक तरीके से क्विक टेस्ट था. वेरी गुड. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैज ऑल फोर ब्राविस टाइप्स. यानी कि किसमें प्रिमिटिव, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, सब कुछ मिलेगा. ऑर्थोरोम्बिक, अगर मैं याद दिला दूं तो क्यूबिक में अपने पास तीन तरह की ऑप्शंस आती थी. क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में तीन ब्राविस लैटिस थे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड. मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड था, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड. ऑर्थोरोम्बिक में सारे थे, रोम्बोहेड्रल में एक था, ओनली प्रिमिटिव. How many of the below mentioned crystal system है end-centered cubic system? End-centered. End-centered सिर्फ दो में था. कौन कौन से में था? End-centered. Orthorhombic, जिसमें चारों टाइप की ब्राविस लैटिस है, और दूसरा मोनोक्लिनिक में आता था end-centered. तो 1 and 5. अब now text में जिनके all correct हुए, अगर चार में से चार करेक्ट बहुत अच्छी बात है, चार में से तीन करेक्ट आई एम वेरी हैप्पी, चार में से दो करेक्ट आई एम नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैंने ऑन द स्पॉट ही तो पूछे. हो सकता कल किसी ने रिवाइज भी नहीं किया पर उसको कुछ याद आ रहा था, चार में से दो भी करके, बहुत बड़ी बात है यार.
आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस. अगर चार में से तीन भी ठीक है, दो भी ठीक है, चारों के चारों ठीक है, वेरी गुड. ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं. यहां ड्रॉ कर रहा हूं कौन सा प्लेन की मैं बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग ऑफ दिस प्लेन. आई एम टॉकिंग ऑफ दिस प्लेन. एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए प्लेन. क्वेश्चन आपको जेई मेंस और मेरे को कोई हैरानी नहीं जेई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं. किसी सॉलिड में पी क्यू आर तीन तरह के एटम है. पी हर कॉर्नर पे है, क्यू हर फेस सेंटर पे है, आर हर एज सेंटर पे. फिर इस क्यूब में से हमने एक प्लेन एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये प्लेन में जितने भी एटम्स थे वो हटा दिए, ये वाला प्लेन उड़ा दिया. जिस प्लेन में X, Y, Z, W प्लेन है इसमें जितने भी एटम थे वो हटा दिए. तो मैं यहां पर इसे थोड़ा लैंग्वेज को और बेटर कर देता हूं. ऑल द एटम्स अलोंग X, Y, Z, W आर रिमूव्ड. तो इस प्लेन से सारे एटम्स को हटाने से पहले सॉलिड का क्या फॉर्मूला था और इस प्लेन को हटाने के बाद अब सॉलिड का क्या फॉर्मूला.
करें स्टार्ट। आर यू गाइस रेडी विद द आंसर? शुड आई स्टार्ट डिस्कसिंग इट? ओके, टेक 2 मिनट्स मोर। चलो देखिए, सबसे पहले इनिशियली पी एटम कहां थे? हर कॉर्नर पे। तो मैं से पी ड्रॉ कर रहा हूं कॉर्नर को, सो दिस इज पी। क्यू एटम इज प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर, दिस इज फेस सेंटर, दिस इज ए क्यू। तो मैं R को क्रॉस से दिखा रहा हूं, दिस इज R, सो क्रॉस से R, दिस इज Q। तो कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, P का रैंक कितना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ P आर प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। तो सब कॉर्नर पे थे P, तो P के हर एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 और टोटल 8 कॉर्नर पर टोटल P की संख्या 1 हो गई। एक P है इफेक्टिवली यूनिट सेल, हर कॉर्नर वाले एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 और 8 कॉर्नर पर है इसलिए 1। अब हर फेस सेंटर की कॉन्ट्रीब्यूशन हमने की थी आधी 1/2 और 6 फेस सेंटर है तो जो Q की संख्या टोटल 6 एटम है वो एक्चुअल में 6 नहीं है, 6 का हाफ है, 3 है, एज के सेंटर पे है और टोटल एजेस थे 12 एजेस के सेंटर, हर एज की कंट्रीब्यूशन 1/4, तो ये भी 3, तो फॉर्मूला आना चाहिए P1Q3R3। बिफोर रिमूविंग द प्लेन, पहले पार्ट का आंसर PQ3R3, राइट। अब उसके बाद हमने ये प्लेन हटा दिया, ये वाला प्लेन, जिस प्लेन में कौन कौन हट गया, 4 एज सेंटर हट गए और 4 फेस सेंटर हट गए, 4 एज सेंटर चले गए और 4 फेस सेंटर भी चले गए। तो अब P की कंट्रीब्यूशन तो वही की वही है लेकिन R की कंट्रीब्यूशन कितने एजेस चले गए, 1, 2, 3, 4 एज सेंटर चले गए, बचे हुए 8 एज सेंटर है, सबकी कंट्रीब्यूशन 1/4, तो ये 2। और नेक्स्ट अपने पास जो क्यू बचा, तो हर क्यू की कंट्रीब्यूशन, अब क्यू कितने हट गए, 4 क्यू हट चुके हैं, यानी कि क्यूब में इफेक्टिवली बस 2 फेस सेंटर बचे हैं, 2 फेस सेंटर की कंट्रीब्यूशन काउंट करते हुए टोटल क्यू की संख्या 1 हो जाएगी, तो फॉर्मूला विल बी P1Q1R2। तो अगर किसी का इनिशियली P Q3 R3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर है,
PQR2 वाला फाइनल आंसर इज दिस। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ये मान के चलो सॉलिड स्टेट में जेई मेंस तक का आपका क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का है, क्योंकि ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। बस आपको पता होना चाहिए कितने एज सेंटर रह गए, कितने फेस सेंटर रह गए, कितने चले गए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मेंस में मिलेंगे। ओके, तो अब मैं चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूं, कंटिन्यूइंग द क्लास। सो हेडिंग बना दो, पैकिंग ऑफ एटम्स इन टू डायमेंशन। पैकिंग ऑफ एटम इन टू डायमेंशन। अगर मैं यहां बात करूं, हम टू डायमेंशन पैकिंग की जब बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं, हम एटम्स को जितने भी अभी तक के हमने साइंस में या डिफरेंट साइंटिस्ट ने या डिफरेंट फिजिसिस्ट ने जितने भी सॉलिड्स स्टडी किए, उन सारे सॉलिड्स बेसिकली थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। पर वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना किसी टू डायमेंशनल लैटिस की रेपिटेशन से, यानी कि एक टू डायमेंशनल लैटिस नीचे, फिर उसके ऊपर टू डायमेंशनल लैटिस, ऊपर 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 करते पूरा एक बड़ा सा थ्री डायमेंशनल स्केलेटन खड़ा करते। पर जो बेस है, बेस, वो बेस टू डायमेंशनल बेस कितनी तरह का हो सकता है, तो वो हम यहां पर देखने लगे हैं कि किसी भी थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल का जो बेस है, जो कि कोई ना कोई टू डायमेंशनल रीजन होगा, तो वो टू डायमेंशनल में एटम्स की पैकिंग कितने तरह की हो सकती है। दो तरह की हो सकती है। कैसे? वन वे ऑफ पैकिंग इज लाइक वन लेयर ऑफ एटम, वन रो ऑफ एटम, दिस इज वन रो ऑफ एटम, एंड सेकेंड रो ऑफ एटम इज एग्जैक्टली लाइंग बिलो इट, दिस इज सेकेंड रो ऑफ एटम, दिस इज थर्ड रो ऑफ एटम, फोर्थ रो। All atoms are touching to each other. Two-dimensional packing में one of the easiest ways, first row, अगर मैं इसका नाम रख दूं A row, तो second row is exactly copy of the first row. यानी कि this row is also same like the first row. This is A. Third row is same as A. Fourth row is same as A. Fifth row is same as A. अब इसके लिए आप code word use करोगे. Two dimension में अगर एक रो और दूसरी रो एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी में है, जस्ट उसके एग्जैक्ट नीचे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एटम के नीचे सेकंड रो का फर्स्ट एटम, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में नीचे आपके पास सेकंड कॉलम में सेकंड रो का एटम, दे आर जस्ट अरेंज्ड लाइक इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। तो अगर कोई हमें यहां से ऐसे बोले ना कि इस अरेंजमेंट का नाम बताओ, इस अरेंजमेंट का नाम, इट इज कॉल्ड A A A A packing in two dimension. A A A packing of two dimension. अगर कोई मुझे ये कह दे कि इस two dimension packing में A A A A packing, या कोई ऐसे बोलते B B B B B B packing, तो same alphabet जब repeat हो रहा B B B B, इसका मतलब है first row is identical to the second row is identical to the third row, all rows are identical and atoms are arranged in such a way that vertically as well as horizontally they are aligned, perfectly aligned. तो अगर मैं यहाँ के एक unit cell की बात करूँ, unit cell में ले रहा हूँ ऐसा, तो मुझे check करके बताओ क्या ये unit cell की choice इस lattice के लिए सही बैठेगी? Can I choose this unit cell for this complete lattice? There is no harm. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस यूनिट सेल में अगर कोई भी एक एटम की मैं बात करूं, लेट्स से यूनिट सेल इज दिस, दिस इज द यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल, तो आप ये बता सकते हो ये जो एटम का सेंटर होगा, भले मेरी ड्राइंग गड़बड़ है, यहां पर मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, बिल्कुल सिमेट्रिकल,
तो ये जो सेंटर, ये एटम जो है, ये एटम का जो सेंटर है, ये कितने यूनिट सेल का कॉमन सेंटर है? इस वक्त अगर ये एक यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल, तो इस एटम का सेंटर यानी कि ये एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल में है? चार। इसका मतलब अगर मैंने यहां पर कोई भी यूनिट सेल लिया, कोई भी यूनिट सेल, इट इज इनफाइनाइटली स्प्रेडेड, इट इज इनफाइनाइटली स्प्रेडेड, तो इस एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल के लिए कितनी होगी? इस एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल के लिए कितनी होगी? 1/4। क्योंकि ये एट द सेम टाइम चार यूनिट सेल का कॉमन एटम है, तो कैन यू टेल मी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी हाउ मच? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी 1/4 × 4, 1। अगर मैं एक यूनिट सेल ले लूं, दे आर टचिंग टू ईच अदर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि हर स्फीयर का, हर सर्कल का 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल में आ रहा है। और अगर मैं हर सर्कल की रेडियस r बना दूं, r, तो इस स्क्वायर की एज लेंथ अगर a है, a, कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड द रेडियस? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड दिस एज लेंथ एंड द रेडियस? यू कैन क्लियरली से साइड ऑफ द यूनिट सेल इज a and 2 times the radius is a. We call it as, we name this packing, we name this arrangement as square close packing. Square close packing. So what, how will you define square close packing? In this packing, atoms are arranged in such a way they are vertically as well as horizontally aligned. Rows are identical. We call it as square close packing. अगर कोई मुझे ये कह दे, what is packing fraction in the unit cell? What is packing fraction in the unit cell? यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस यूनिट सेल का, इस यूनिट सेल का कितना एरिया ऑक्यूपाइड है, इस यूनिट सेल का कितना एरिया ऑक्यूपाइड है, यानी कि हमें ये अनऑक्यूपाइड एरिया की कैलकुलेशन बतानी है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो मैं अब ये बोलूंगा कि आपको ये पता कि इस पूरे स्क्वायर का एरिया अगर आपको पता हो, पूरे स्क्वायर का एरिया पता हो, और आपको ये पता है कि ये 1/4 पार्ट है इस सर्कल का, ये भी 1/4 पार्ट है सर्कल का, ये भी 1/4 पार्ट सर्कल का, ये भी 1/4 पार्ट सर्कल का, तो क्या आप ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकाल सकते हो? ऑक्यूपाइड एरिया, ऑक्यूपाइड एरिया, हाउ मच एरिया इज ऑक्यूपाइड, यू कैन कैलकुलेट। और आप ये भी बता सकते हो कि इस पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है, यानी कि आपने कितना एरिया टोटल प्रोवाइड किया एटम्स को ऑक्यूपाई करने के लिए, अगर आपको वो पता है, पर जो आपने स्पेस प्रोवाइड की उसमें से एटम्स ने यूटिलाइज कितनी की, कितनी एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई की, कुछ एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई नहीं की, तो हमें बताना है व्हाट परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड, वी कॉल इट एज पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ द एरिया इन ए यूनिट सेल ऑक्यूपाइड
by the atoms is called packing fraction. तो क्या मैं उसकी कैलकुलेशन ऐसे कर सकता हूं? 1/4 of pi r square is the area which is occupied by one atom. And we have four such atoms. So this is total area occupied by all the atoms. And what is the total area which was provided up by the to all the atoms in a unit cell? Pure unit cell ka area kitna tha? Total area of unit cell was pure square ka area, aur square ki side hai a, a square. तो अगर मैं इनकी रेशो ले तो मुझे बताओ कैलकुलेट करके परसेंटेज की फॉर्म में हाउ मच परसेंट ऑफ एरिया इज ऑक्यूपाइड. सो दिस इज 1/4 टाइम्स 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100. दिस इज परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड. तो ये बन जाएगा पाई इंटू आर बाय ए का होल स्क्वायर इंटू 100. एंड यू नो दैट आर का रिलेशन ए के साथ हमने क्या रखा है. मैं कैपिटल आर यूज कर रहा हूं, मैंने रेडियस का सिंबल कैपिटल आर रखा है. तो ये बन जाएगा पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 25 टाइम्स पाई. मेरे हिसाब से ये 78.4-78.5 के करीब आना चाहिए. क्या आपका भी इतना ही आ रहा है? 78 point something. तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि कितने परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं है, हाउ विल यू टेल हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस इज नॉट ऑक्यूपाइड? अगर 78.5 बोल रहे हो, फाइन 78.5, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस इज नॉट ऑक्यूपाइड? 100 में से सबट्रैक्ट कर दोगे. और मैं अगर आपको ये बोलूं, ये आपकी थ्योरी नहीं है, ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, तो क्या आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को ये अज्यूम कर सकते हो कि इट्स जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स, दीज आर द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर? आपको एक ड्रॉइंग दे दी जाएगी, उस ड्रॉइंग में यूनिट सेल बना के दे दिया जाएगा, और यूनिट सेल का अगर आपको टोटल ज्योमेट्री डायग्राम बना दिया जाए तो एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन रख के आपको फ्रैक्शन ऑफ एरिया निकालना. तो आपको अगर कोई ये कह दे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड? 78.5%. हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल? 1. सो द रैंक ऑफ द यूनिट सेल इज 1. सपोज मैं अब आपको, अच्छा आप मुझे एक चीज ये बताना, इस ड्राइंग में जो आपने लैटिस तैयार किया था, मुझे एक चीज ये बताओ, कहीं भी उस पूरे लैटिस के बीच का कोई एटम पकड़ना, बीच का एटम चेक करके देखो वो कितनों से टच कर रहा है, कितनों को वो टच कर रहा है, एक एटम कितनों को टचिंग है? आंसर आएगा 4. शायद अगर आप अपने ड्राइंग में देखोगे ना, आपको वो ऐसे दिखेगा. एक एटम नेबरिंग 4 को टच कर रहा होगा, क्योंकि ये 2 dimension है, 2 dimension आगे पीछे नहीं है, ये 2 dimension है. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब गिवन एटम इज टचिंग टू द हाउ मेनी एटम्स.
सो लिख लो क्वाड्रिनेशन नंबर की डेफिनेशन. हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स टचिंग टू ए गिवन नंबर ऑफ एटम, टू ए गिवन एटम इज कॉल्ड क्वाड्रिनेशन नंबर. Therefore, here coordination number of atom is 4. और अगर आपको ये लगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, इतने आसान आसान चीजें एग्जाम में कैसे आ सकती हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के जेई मेंस के पेपर खोल लो, उसमें आपको ये एग्जैक्टली जो हमने पढ़ा है ना, आपको कम से कम अगर मैं पिछले 12 साल का एग्जाम पेपर आप देखोगे तो कम से कम 4 से 5 बार रिपीट होगा. एंड इट्स नॉट ए जोक, दिस इज ट्रू. इस चैप्टर से क्वेश्चन इसी तरह के आए. अब टू डायमेंशन में एक और पैकिंग करेंगे. लेट्स से पहली रो, फर्स्ट रो ऑफ एटम्स इज अरेंज्ड लाइक दिस. फर्स्ट रो ऑफ एटम इज अरेंज्ड लाइक दिस. सेकंड रो इज अरेंज्ड इन दो के बीच में जो डिप्रेशन है, इन दो के बीच में जो डिप्रेशन है, यहां एटम को रखा गया सेकंड रो पे. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका नाम रख दूं रो वन, क्या ये रो टू आइडेंटिकल दिख रही है फर्स्ट रो के? इस रो के कंपैरिजन में क्या ये रो आइडेंटिकल दिख रही है इस रो से? नहीं ना, क्योंकि इस रो के एटम्स के डिप्रेशन में आपने सेकंड रो के एटम रखा है. पर अगर आप फर्स्ट रो को थर्ड रो से चेक करो, अगर इसके इससे मैं इतना डिस्टेंस नीचे आऊं, इतना डिस्टेंस नीचे आऊं, इतना डिस्टेंस नीचे आऊं, कि आपको सेम टाइप का एटम दिखेगा. यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड रो इज आइडेंटिकल, बट सेकंड रो इज आइडेंटिकल टू फोर्थ रो. सो देन व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस पैकिंग? इफ दिस इज ए रो, दिस इज बी रो, दिस इज ए रो, दिस इज बी रो, we call it as A B A B A B packing. So here इस packing का नाम hexagonal close packing. Hexagonal close packing. तो अगर कोई आपसे पूछे hexagonal close packing में क्या अंतर है square close packing के साथ, मैं बोलूंगा here second row is not exactly identical of the first row, but second row is identical to the fourth row, first row is identical to the third row, alternative rows are identical. और मैं ये भी बोल सकता हूँ, consecutive row के atoms, consecutive मतलब जो adjacent, adjacent rows के atoms को हम कहाँ रख रहे हैं? First row के depression में. First row के depression में हमने second row का atom रखा. So here all alternating row, alternative या alternating rows are identical atoms of consecutive rows are present in depression of
each other such that each atom is touching to dash number of atoms. क्या जवाब है आपके पास? एक एटम कितनों को टच कर रहा है? अगर मैं कोई बल्क एटम देखूं, बीच वाला एटम, ये बल्क एटम, ये इसे टच कर रहा है, 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 और जिनको वो टच कर रहा है, they are making, I think, regular hexagon. क्या मैं ये मान सकता हूं कि ये रेगुलर हेक्सागन है? क्योंकि क्योंकि रेगुलर हेक्सागन की ये साइड अगर 2R है तो ये भी 2R है, ये भी 2R है. अगर हर एटम की रेडियस R है तो ये साइड भी 2R है, ये भी 2R है, ये भी 2R है. इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे. और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली यहाँ एंगल 60 degree आया होगा, 60 degree. तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो हेक्सागनल लैटिस है इसका यूनिट सेल एक रोहम्बस होगा. रोहम्बस, आपने जो टू डायमेंशन लैटिस पढ़ा था, टू डायमेंशन लैटिस में हेक्सागनल लैटिस जो पड़ी थी, हेक्सागनल लैटिस में परफेक्ट हेक्सागन अगर बन रहा है तो यूनिट सेल विल बी एक रोहम्बिक यूनिट सेल. ट्रायंगल नहीं बन सकता. उसका रीजन भी मैंने दिया था ट्रायंगल क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आपने एक ट्रायंगल को यूनिट सेल मान लिया तो उसी ट्रायंगल को उसी की साइड्स के अलोंग अगर आप मूव कराओगे तो यहां एम्प्टी स्पेस आ जाएगी, क्योंकि यूनिट सेल को डिस्प्लेस कराने के बाद बीच में एम्प्टी स्पेस नहीं आनी चाहिए. तो अगर आपको कोई बोल दे इसको हेक्सागनल क्लोज पैकिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह हेक्सागनल लैटिस है. लैटिस का नाम हेक्सागनल है, यूनिट सेल रोहम्बस था. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर हम इस रोहम्बस को, रोहम्बस की साइड की मैं बात करूं, द टू आर टचिंग, दे आर टचिंग, दे आर टचिंग, इस रोहम्बस की साइड अगर ए है तो क्या आप मुझे बता सकते हो ए का रिलेशन रेडियस के साथ कितना है? अगर हर एटम का रेडियस r है तो a स्टिल 2r. एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज a विच इज 2 टाइम्स r. r इज रेडियस ऑफ ईच एटम. और यहां एक एटम, एक एटम टोटल 6 एटम्स को टच कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6. अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि इस ड्राइंग में, इस ड्राइंग को अगर मैं देखते हुए ये बात करूं से, ये पूछा मुझे इस हेक्सागन को देख के बताओ, इस हेक्सागन को देख के हाउ मच इज पैकिंग फ्रैक्शन या यू कह लू व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्पेस इनसाइड द हेक्सागन इज ऑक्यूपाइंग. जो फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड यहां से आएगा वही यहां से आएगा. सो टेल मी, डू दिस कैलकुलेशन, दिस इज ए न्यूमेरिकल फॉर यू, दैट इफ दिस रेडियस इज आर, दिस एज लेंथ इज ए, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस. What is the fraction of the spaces occupied in this hexagon? Aman Bansal ka answer galat hai.
Someone is saying 90.6% अंशुमन गायकवाड़ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड. अंशुमन छागिया विद्या निवास बिल्कुल ठीक, 90.6% स्पेस इज ऑक्यूपाइड, वेरी राइट. ओके सगुन, वेरी गुड, ग्रेट. अगर आपने यही निकाले 90.6% स्पेस. अभय सिंह ज्यादा बता रहे 90.8 तो नहीं. तो अब अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मुझे इस डायग्राम को देख के कोई ये पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में अगर मैंने इस हेक्सागन को यूनिट सेल माना, कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है, तो मैं बोलूंगा अगर मैं यहां पर इसे सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर दूं सबके साथ, क्योंकि ये एंगल तो फिर इस एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 होगी. क्यों 1/3 होगी? क्योंकि अगर मैं इस सर्कल को ऐसे बाइसेक्ट कर रहा हूं तो यहां पे 360 डिग्री को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया. 360 डिग्री को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया क्योंकि यहां एंगल 120 डिग्री आ रहा था. यानी कि इस सर्कल का तीसरा हिस्सा है ये इस यूनिट सेल के अंदर. क्या ये बात सबको क्लियर है कि मैंने इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 बोली? किसी को इस पॉइंट में डाउट है तो हिचकिचाना नहीं है, समझ लेना, डरना नहीं, घबराना नहीं. चाहे सिली डाउट हो आई विल टेल कि मैंने सीधा ये बोला कि ये सर्कल, ये वाला सर्कल के अंदर ये ड्रॉइंग ऐसी दिख रही है, ये एंगल 120 डिग्री है. तो अगर मैं इस सर्कल के तीन पार्ट्स ऐसे कर दूं 1, 2, 3, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, तो 360 डिग्री के तीन हिस्से कर दूंगा तो 120 डिग्री एंगल बनेगा यहां. इसका मतलब इस सर्कल का तीसरा हिस्सा, क्योंकि 360 डिग्री बाय 3 120 डिग्री होगा, तो इसका 1/3 पार्ट इस हेक्सागन के अंदर आ रहा है. तो इसका भी 1/3 आ रहा है, इसका भी 1/3 आ रहा है, इसका भी 1/3 आ रहा है, 1/3, 1/3. लेकिन ये वाला जो एटम है, ये पूरा का पूरा ब्रिक सर्कल, ये पूरा का पूरा इस हेक्सागन के अंदर है, तो ये 100% आ रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सराउंडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस, और मिडल वाला एटम कंप्लीट 100% उसकी कंट्रीब्यूशन 1. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम इन दिस यूनिट सेल इज 3. तो अब अगर मुझे फ्रैक्शन ऑफ एरिया निकालना, फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड, फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 3. उन्होंने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया? 3 × π r² is the area occupied by all the atoms. But इस पूरी ज्योमेट्री का एरिया कितना? Area of this hexagon is the total area provided to the all these atoms. इस पूरे तीन एटम को हमने हेक्सागन का एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए बोला, पर इन्होंने बीच में से कुछ खाली स्पेस छोड़ दी जो ऑक्यूपाई नहीं की. तो तीन एटम्स ने एरिया ऑक्यूपाई किया इतना आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन. और हेक्सागन का एरिया आप कैसे निकालोगे? मेरे से ज्यादा मैथ्स आप जानते हो. सिंपल बोल दूं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया. अगर इसकी साइड ए है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 साइड ऑफ ट्रायंगल का, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्क्वायर. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर, और ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6, तो पूरी हेक्सागन का एरिया बन गया
रूट थ्री बाय फोर इंटू ए इंटू ए स्क्वायर इंटू सिक्स, वेयर एज लेंथ ए ए इज टू आर। तो अब तो पुटी करना है, तो अब तो ये साइड आपको ये कैलकुलेशन करनी आती है। मेरे हिसाब से आपने इसी तरीके से कैलकुलेट किया होगा। तो ये बन जाएगा, दिस इज द टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन, सो टोटल फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड इज 3 इनटू पाई आर स्क्वायर बाय रूट 3 बाय 4 पाई ए इज 2 आर होल स्क्वायर इनटू 6 इनटू 100 कर दो, परसेंटेज कैलकुलेशन 90.6%। तो अगर आपसे कोई ये पूछे, अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस डायग्राम में, इस पैकिंग में, इस पैकिंग में एटम्स ने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एटम्स ने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की, कहां पर एटम्स ने यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस ज्यादा यूज किया, मतलब जितनी स्पेस उनको दी गई उन्होंने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की, इस यहां इस पैकिंग में, इस पैकिंग में, हेक्सागोनल पैकिंग। इसका मतलब अब आप ये चीज बताओ, अगर मुझे सॉलिड, एक अच्छा सॉलिड चाहिए, सॉलिड्स चाहिए, प्रॉपर सॉलिड, ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड का मतलब जहां एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज, तो उनके बीच एम्प्टी स्पेस कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? एक अच्छे सॉलिड के लिए, एक ट्रू सॉलिड के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच की एम्प्टी स्पेस कम होनी चाहिए। तो कहां फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, कहां फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड एरिया कम आया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में? इसलिए आइडियली सॉलिड्स की पैकिंग, आइडियली सॉलिड्स को जब आप थ्री डायमेंशन में अरेंज करोगे, थ्री डायमेंशन में, तो उनका बेस हमेशा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, तो ऐसा सॉलिड ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे सॉलिड में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जहां एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अटैच टू ईच अदर, क्योंकि डोंट फॉरगेट सॉलिड लिक्विड गैस में सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और डेंसिटी तभी ज्यादा होगी, डेंसिटी तभी ज्यादा होगी जब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा। और अगर मैं यहां टू डायमेंशन की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एरिया ज्यादा हो। सो आइडियली हमेशा जब भी कभी कोई हमें यह पूछेगा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन में विच इज मोर एफिशिएंट पैकिंग, विच इज मोर एफिशिएंट पैकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मोर एफिशिएंट पैकिंग? एफिशिएंट पैकिंग इज द पैकिंग वेयर पैकिंग फ्रैक्शन इज मोर। Therefore, hexagonal closed packing is more efficient in two dimensions than square closed packing. पर मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर किसी स्टूडेंट ने इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये बोला कि मुझे ये सारा इसी डायग्राम में मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के बताओ, पर मैंने यूनिट सेल ये लेना है रोम्बस, इस यूनिट सेल की मदद से बता सकते हो क्या पैकिंग फ्रैक्शन उतना ही आएगा क्या जितना आपने 90.6% निकाला? आना तो वही चाहिए, पर मेरी बात पे यकीन नहीं करना, आप अभी निकाल के बताएंगे मुझे, you will tell me
क्या अगर मैं ये यूनिट से ले लेता कि इसमें पैकिंग फ्रैक्शन उतना आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो प्रूफ करके दो। डोंट फॉरगेट दिस एंगल इज 60, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। मेरा यूनिट सही है, करना क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना। व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन इन दिस रोम्बिक यूनिट सर? सेम लैटिस है, टू डायमेंशनल लैटिस है, इस रोम्बस लैटिस में इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना? तो पहले मैं इसका पूरा एरिया निकाल लूं। इफ इट इज ए, इट इज ए, क्या ये साइड भी ए आएगी? क्या ये साइड भी ए आएगी? कैन यू टेल मी कोई तरीका है ये साइड भी ए आएगी या नहीं? क्योंकि ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये 60, 60, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60, सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या मैं रोम्बस का एरिया, रोम्बस का एरिया, इस पूरे पैरलोग्राम का एरिया क्या ये बोल सकता हूं टू टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? अगर इसका नाम रख दूं ए बी सी डी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस इज टू टाइम्स रूट 3/4 साइड ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर, और इस ट्रायंगल की साइड यहां पर, ये जो ट्रायंगल की साइड है, दिस इज आर प्लस आर, दिस इज 2r। So this is root 3 by 2 into 4 r square, which is 2 root 3 r square. पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैं इस एरिया, फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड, ये एरिया कितना मानू, ये एरिया कितना मानू, ये एरिया कितना मानू, ये एरिया कितना मानू? क्या मैं इसे 1/3 ऑफ पाई r square मानू और इसे 1/6 ऑफ पाई r square मानू? क्या मैं इसे 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर और इसे 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर मानू? ये 1/3 पाई आर स्क्वायर और ये 1/6 पाई आर स्क्वायर। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इस सर्कल को 360 डिग्री को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दूं, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, तो ये 1/3 एरिया। और अगर मैं इसी एरिया को 6 हिस्सों में बांट दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 60 डिग्री, तो ये 360 का 1/6 पार्ट यहां पर आ रहा है, ये वाला हिस्सा। अगर मैं इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो ये टोटल एरिया, ऑक्यूपाइड एरिया, 1/6 इसका, 1/6 इसका और इसका 1/3, 1/3, तो टोटल एरिया ऑक्यूपाइड विल बी 1/6 पाई आर स्क्वायर इंटू टू, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू टू, ऐसा होना चाहिए। तो ये टोटल एरिया ऑक्यूपाइड। अब आगे वाली कैलकुलेशन आप करोगे, टोटल एरिया ऑक्यूपाइड की ये जो वैल्यू आई, ये आई पाई आर स्क्वायर बाय 3 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर, विच इज एक्चुअली पाई आर स्क्वायर, तो
टोटल एरिया ऑक्यूपाइड. सो फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड इज पाई आर स्क्वायर बाय 2√3 आर स्क्वायर इनटू 100. चेक करो कि आपकी यही आ रही है पाई बाय 2√3 90.6%. बट माय डियर लविंग ऑडियंस मुझे ये बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आर देयर. हाउ मेनी एटम नंबर ऑफ पर यूनिट सेल. इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं. ये 1/6, ये 1/6, ये 1/3, ये 1/3. क्या मैं बोल सकता हूं वन एटम पर यूनिट सेल. कैसे यूनिट सेल में वन एटम पर यूनिट सेल. यस डू यू अग्री कि यहां पर वन एटम पर यूनिट सेल. पर ये अपने एरिया की तरफ से कैलकुलेशन की थी. लिसन जब आपने यहां पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल देखे तो इस पूरे यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल में एक एटम का एरिया आया पाई आर स्क्वायर. एक एटम का एरिया पाई आर स्क्वायर. यानी कि आप ये बोल रहे हो कि ये चार एटम नहीं है, बेसिकली ये एक एटम है. क्या मैं उसको यहां से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं. इज माय दिस एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट. लुक एट हियर. ध्यान से देखना मैं क्या क्या कहने लगा हूं. अगर मैं इसे यूनिट सेल मान लूं तो मैं इस यूनिट सेल को, इस यूनिट सेल को मैं स्लाइड कर रहा हूं तो यहां पर एक यूनिट सेल आया, यहां यूनिट सेल आया, फिर इसे मैंने स्लाइड किया, फिर इसे मैंने स्लाइड किया, फिर इसे मैंने स्लाइड किया, फिर इसे स्लाइड किया, सारा यूनिट सेल बना. मुझे बता सकते हो एक एटम कितनी यूनिट सेल का पार्ट बन गया. जब मैंने यूनिट सेल को रोहम्बस की तरह स्लाइड कराया उसकी साइड के अलावा, ध्यान से देख के बताना, यहां पे बच्चे मुझे गलत आंसर देंगे. एक यूनिट, ये जो एक एटम है, ये एक एटम कितनी रोहम्बस का कॉमन एटम बना. अपनी कॉपी में ड्राइंग चेक करके देखो, ध्यान से बताना. ये वाला एक एटम मुझे तो चार का दिख रहा है, चार का, छह का तो नहीं दिख रहा, छह का तो मुझे दिख ही नहीं रहा, मुझे चार का दिख रहा है. चार यूनिट सेल, यानी कि ऐसे ड्राइंग आ रही है. ऐसी ड्राइंग आ रही है. तो इस एक सर्कल की, एक सर्कल की कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितनी होगी. इस एक सर्कल की कॉन्ट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में 1/4 है. और आपने यहां पर जब एटम रखा, यहां एटम रखा, यहां एटम रखा, ये चार कॉर्नर आ गए थे इस यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के चार कॉर्नर. तो मैं ये भी बोल सकता था 1/4 एटम, लेकिन मैं नंबर ऑफ एटम की टर्म में बात कर रहा हूं. नंबर ऑफ एटम, एरिया की टर्म में नहीं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल. क्योंकि ये मेरे लिए प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि इस यूनिट सेल के चारों कॉर्नर पे एटम है, चारों कॉर्नर पे एटम. ये मेरे लिए प्रिमिटिव यूनिट सेल थी. भले ही आपको ये लग रहा है कि यहां पे तो सर्कल्स, यहां पर तो एंगल 90 डिग्री है ही नहीं. आप ये सोच रहे हो कि यहां पे तो 90 डिग्री है ही नहीं. आपने से 1/4, मैं 1/4 एरिया नहीं बोल रहा, मैं 1/4 एरिया नहीं बोल रहा, मैं काउंटिंग बोल रहा हूं. काउंटिंग एरिया की टर्म में मैं यहां बोल रहा हूं 360 बाय एंगल से जो देख रहा हूं ना, 120 बाय 360, वो उसके एरिया की कॉन्ट्रीब्यूशन है यूनिट सेल में. मैं एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप नंबरिंग करते इस यूनिट सेल में चार एटम रख रहे हो, फिर इसी यूनिट सेल को ऊपर सरकाया, इसी यूनिट सेल को ऊपर सरकाते, जब आप रोहम्बस की गिनती करोगे, यहां पर एक रोहम्बस, दो रोहम्बस, तीन रोहम्बस, चार रोहम्बस, तो बीच वाला एटम चार रोहम्बस का पार्ट बना. मैं उसके एरिया की बात कर ही नहीं रहा.
इसलिए सॉलिड स्टेट में एक ही आंसर तक पहुंचने के मोर देन वन वेज होते हैं, लेकिन आपको सारे वे पता होने चाहिए क्योंकि आपको एडवांस ट्रू फॉल्स में फंसाएगा। ट्रू फॉल्स में कोई अगर पूछेगा ना इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है यूनिट सेल में, आप बोलोगे कौन सी, नंबर वाइज या एरिया वाइज, नंबर वाइज या एरिया वाइज। एरिया वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी 1/3 है, बट काउंटिंग वाइज हर एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 है। इसमें इसका ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल था, प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एक आ रहे हैं, और जब आपने एरिया वाइज देखा, एरिया वाइज तो भी एरिया एक एटम का आ रहा था, तो आई थिंक आपको मैथमेटिकली ये दो अलग अलग स्टेटमेंट में फर्क पता लगना चाहिए, तब मानूंगा कि आप मैथ्स की तरह चल रहे हो। सो इट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, इट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कौन सी यूनिट सेल इज बेटर, हेक्सागनल यूनिट सेल इज बेटर, शिवम पटेल, हर चीज में दिखवाने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें दिमाग से सोचनी होती, हर चीज डिक्टेट नहीं होती, इट्स नॉट सोशल स्टडी। मेरी एक बात का जवाब देना जल्दी से, हेक्सागनल यूनिट सेल बेटर थी या फिर रोम्बिक यूनिट सेल बेटर थी? अब यूनिट सेल की सिलेक्शन बताओ, विच यूनिट सेल शुड बी ऑप्टेड, क्या हेक्सागन वाला यूनिट सेल लू या रोम्बस वाला यूनिट सेल? यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट हाउ टू सिलेक्ट इफ देर आर मोर देन वन पॉसिबल चॉइस टू सिलेक्ट ए यूनिट सेल, क्या रीजन होना चाहिए, यूनिट सेल शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, यूनिट सेल शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जो आपने पहले यूनिट सेल बनाई थी हेक्सागनल वाली, जो आपने हेक्सागन बना के यूनिट सेल बनाई थी, उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम वर प्रेजेंट पर यूनिट सेल, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, 3। लेकिन जो आपने रोम्बस वाली यूनिट सेल बनाई थी उसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने थे, 1। तो यूनिट सेल शुड बी सच दैट इट शुड बी स्मॉल इन एरिया, इट शुड हैव लेस नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सो ये चीज काम की मैं लिख रहा हूं यहां पे, इफ देयर आर More than one possible unit cell for the same packing, ideally that unit cell should be chosen which has dash area dash number of atoms per unit cell। यहां पर फिल इन द ब्लैंक, इट शुड बी स्मॉलर एरिया एंड डैश नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, लीस्ट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट। And what is the least number of atom per unit cell? What is the possible least number for the atom? किसी atom के लिए सबसे छोटा number 1 है। तो मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ, ये statement समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपने true false सुननी है, मैं लिखवा नहीं रहा, पर आपको true false बता रहा। My statement is, if there are more than one unit cell possible, if there are more than one unit cell possible for the same packing, one is primitive, another is non-primitive, then primitive unit cell should be chosen. True, always true. अगर किसी packing के लिए more than one unit cell possible है, तो primitive unit cell चुननी चाहिए, क्योंकि primitive वो होगी जिसमें number of atom per unit cell 1 आएंगे। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल प्रिमिटिव में हमेशा 1 आएगा। सो दिस वाज अबाउट टू डायमेंशनल अरेंजमेंट।
तो अगर कभी भी आपको कोई ये बोल दे कि सॉलिड स्टेट में टू डायमेंशनल में एटम्स को अरेंज करने के जो दो तरीके हैं उनमें से बेटर तरीका कौन सा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप बोलोगे क्वाड्रिनेशन नंबर इज मोर. और क्वाड्रिनेशन नंबर अगर ज्यादा होगा तो पैकिंग फ्रैक्शन हाई होगा. मोर पैकिंग फ्रैक्शन विल बी देयर व्हेन क्वाड्रिनेशन नंबर इज मोर. एटम्स आर क्लोजली अटैच्ड, क्लोज कनेक्टेड. अब जरा चले अगर हम थ्री डायमेंशन, अब चलते हैं थ्री डायमेंशनल पैकिंग में. सबसे सिंपलेस्ट पैकिंग ध्यान से देखना जो मैं समझाने लगो ना, मैं अभी आपको इमेजिनेशन करवाऊंगा, फिर किसी दिन क्लास में मॉडल लेके आऊंगा, मॉडल से देखूंगा. जस्ट ए मिनट. सॉरी, आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल टू यू ना? हाँ ठीक है. अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना था, क्या कहने वाला था. इस चैप्टर में जब मैं आपको पहले कोई चीज ऐसे सिखाऊंगा कि आपने इमेजिन करनी है, कोशिश करनी है, क्योंकि इमेजिनेशन पावर हमें बढ़ानी है. एडवांस में अगर इस चैप्टर का कुछ सुनाया तो ये हो ही नहीं सकता, उसमें इमेजिनेशन यूज है. फिर किसी दिन उस इमेजिनेशन को जब आप सोचते सोचते एक सर्टन लेवल पर जाओगे तो बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे कि मेरे से नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन. तो तब मैं आपके सामने मॉडल्स लाके सिखाऊंगा. पर ध्यान रखना, मॉडल्स साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, करना यहां से है सब कुछ. तो पहले ध्यान से समझना, लुक एट हियर, ध्यान से समझना. मैं ना एटम्स को स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अरेंज कर रहा हूँ. बॉटम लेयर, एक बॉटम लेयर है, बस मैंने एटम्स को ऐसे रखा है. मैंने अभी आपको कॉपी में ऐसे करके दिखाया था टू डायमेंशन, पर टू डायमेंशन ये भी होता है. टू डायमेंशन इसको भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं, किसी भी तरह. तो मैंने ये जो एटम्स का अरेंजमेंट है ना, चार एटम्स, ये देखना ध्यान से, एक दो तीन चार, मैं चार एटम्स को टच करवा रहा हूँ ऐसे. देखो, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, ड्रॉ कुछ नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ समझना है. स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना, क्या हर रो आइडेंटिकल है? ए रो, ए रो, ए रो, ए रो, ऑल रोज आर आइडेंटिकल. ठीक है, अब पहले मेरी बात को ना सुनना है और आंसर ना यस और नो में देना, आंसर यस और नो में देना. ध्यान से सुनो, मेरी लाइन में एक बार बोलूंगा, दूसरी बार नहीं मैंने बोलूंगा. टेक ए पॉज, वन टू थ्री लिसन. In a square closed packing,
one atom touches two atoms in its own row, touches two atom in the row lying above, touches two atoms to the in the row lying below it. True, false? मैंने बोला था इस ड्राइंग में एक एटम अपनी रो में दो एटम को टच करता है, अपने से ऊपर वाली रो में भी दो को टच करता है, अपने से नीचे वालों में भी दो को टच करता है। ये गलत था क्योंकि ये अपनी रो में ये इन दो को टच कर रहा है, अपने से ऊपर वाली रो में ये एक को टच कर रहा है, अपने से नीचे वाली रो में एक को टच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन एडवांस में या फिर मेंस में सिंगल इंटीजर में पूछे जाते हैं। तो आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो ये कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक एटम अपनी रो के दो एटम को टच करता है, अपने ऊपर वाली रो के एक एटम को टच करता है और अपने नीचे वाली रो को एक एटम को टच करता है। और अगर एडवांस में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है और आप गलत करके आते हो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप टेंशन में आके ये क्वेश्चन गलत कराए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक सिंपल एप्टीट्यूड। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आया है, पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि स्ट्रेस में तो बंदा इजी सी चीज भी गलत करेगा। तो अगर आपके सामने ये ड्रॉइंग हो, आपको पता होना चाहिए एक एटम अपनी रो में दो एटम को टच करता है, अपने से ऊपर वाली रो में वो एक एटम को टच करता है और अपने से नीचे वाली रो में वो एक एटम को टच करता है। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग की निशानी है। अब मैं फिर से एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आपने ट्रू फॉल्स सुन लिया। मैं कोई ड्राइंग नहीं बना रहा, दो ड्राइंग्स आप कॉपी में बना चुके हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नाउ माय नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 1, 2, 3, पॉज, लिसन। इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वन एटम टचेस टू, टू एटम इन इट्स ओन रो, टू एटम्स इन द रो लाइंग अबव टू इट एंड टू एटम्स लाइंग बिलो टू इट। मैथमेटिकल, इट्स कॉमन सेंस। ओके, नाउ कम बैक। मैंने यहां के चार एटम, एक दो तीन चार यहां रख दिए हैं, बेस पर। ये मान के चलना वो टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह के। तो इस क्यूब की साइड अगर ए है तो इस हर एटम का रेडियस आर है, तो ए टू आर। मैंने इस पूरी लेयर का इतना हिस्सा ये दिखाया, इतना हिस्सा बस, ये पूरी लेयर है, इसका इतना हिस्सा मैंने यहां दिखाया।
अब मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, पूरी शीट इसके ऊपर एग्जैक्टली रखने लगा, इसके ऊपर एक बॉल। अब बताओ क्या मैं ये बोल सकता हूँ, नीचे स्क्वायर पैकिंग शीट, उसके ऊपर भी स्क्वायर पैकिंग शीट है। जब मैं इसके ऊपर भी बॉल रख दूं, इसके ऊपर भी बॉल, तो नीचे स्क्वायर पैकिंग शीट, उसके ऊपर भी स्क्वायर पैकिंग शीट, फिर ऊपर स्क्वायर पैकिंग शीट, स्क्वायर पैकिंग शीट्स आर लाइंग ओवर ईच अदर। तो क्या वो ऐसा दिखेगा? ये देखो, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ये स्क्वायर पैकिंग का यूनिट सेल है बॉटम लेयर का। दिस इज बॉटम शीट एंड दिस इज टॉप शीट। This is touching to this. These two are touching. This is perfect simple cube. और थ्री डायमेंशन यूनिट सेल में मैं क्या इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल बता सकता हूं? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकता हूं, इट्स ए प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि इसके हर कॉर्नर पर एटम्स हैं। लेकिन इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए मैंने क्या किया, बॉटम में जो शीट बिछाई थी, बॉटम की जो शीट थी वो मैंने कैसे बिछाई थी, बॉटम की शीट मैंने किस पैटर्न में बिछाई, टू डायमेंशन में। दो तरीके थे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो बॉटम की शीट में मैंने कैसे बिछाया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। टॉप की शीट एग्जैक्ट इसके ऊपर, फिर अगली शीट इसके ऊपर। तो मुझे ये बताओ, अब छोड़ो, हो गया इमेजिनेशन जितना करना था, अगर इस शीट का नाम ए रख दो, ए शीट, तो इस शीट का नाम क्या रखो? इफ दिस शीट इज ए, दिस शीट इज ए, ए ए, तो व्हाट इज ए ए ए पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, व्हाट इज ए ए ए ए पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। सो हियर शीट्स which are square close packed in a layer form are stacked over each other forming A A A A in three dimension. तो क्वेश्चन अगर आपके पास आया A A A A two dimension, A A A A three dimension, तो आप इनका नाम क्या रखोगे? ये भी A A A two dimension, इसका मतलब क्या है? Two dimension में A A A, मतलब this is row number one. Listen. रो नंबर वन, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री, रो नंबर फोर, पर इसको क्या बोलोगे? शीट नंबर वन, दिस कैपिटल इज शीट, पूरी शीट, शीट नंबर वन, शीट नंबर टू, शीट नंबर थ्री, इसको रो बोला, रो, ये शीट, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर। नाउ such that
एज टू वन। अब अगर कोई मुझे ये कह दे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन थ्री डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक पैटर्न, कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर मैं इस एटम की बात करूं ना, ये इसे अगर टच कर रहा है, इसे टच कर रहा है, इसे टच कर रहा है, तो अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूं, ओरिजिन, तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी यहां एटम होगा, अगर ये वाई एक्सिस है तो इसकी नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी कोई एटम होगा, अगर इसकी जेड एक्सिस पे कोई है तो इसके फ्रंट में भी इधर एटम होगा, मतलब टू वर्ड यू। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सक्षम का गलत है, छह होगा, आठ नहीं होगा, क्योंकि ये अपने नीचे किसी को टच करेगा तो अपने ऊपर किसी को टच करेगा, अपनी राइट में किसी को टच करेगा, अपने लेफ्ट में किसी को टच करेगा, अपने बैक में किसी को टच करेगा, अपने फ्रंट में किसी को टच करेगा। सो दिस विल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन द थ्रू डायमेंशनल स्क्वायर कोल प्लकिंग इज सिक्स। How many number of atoms per unit cell? अब बता सकते हो इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एटम्स आर प्रेजेंट एट ओनली एवरी कॉर्नर, एटम आर प्रेजेंट एट ओनली एवरी कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट इन सिंपल क्यूबिक पैटर्न, एट इंटू वन बाय ट्वेल्व, मानते हो या नहीं, वन बाय एट कॉन्ट्रीब्यूशन सबकी। नाउ इफ आई से व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन आपकी बार डेफिनेशन बदल गई, पिछली बार टू डायमेंशन लेयर थी, टू डायमेंशन में आपने बोला टोटल एरिया प्रोवाइडेड और उसमें से हाउ मच एरिया इज ऑक्यूपाइड, पर अब तो मैं 3D में हूं तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम प्रोवाइडेड में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, टोटल वॉल्यूम प्रोवाइडेड में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, सो दैट वी आर सपोज टू कैलकुलेट। सो दिस इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स divided by volume of the unit cell. How many atoms are present in this unit cell? How many atoms are present in this unit cell? One, not eight, because total number of atoms in this unit cell is one. तो अगर मुझे यहाँ पे एक ना एक atom है और मैं atom को sphere मान रहा हूँ, sphere, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है थ्री डायमेंशन में, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय, सो ईच एटम हैज रेडियस आर, टोटल क्यूब का वॉल्यूम, साइड का क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विच इज ए क्यूब, ए इज एज लेंथ, व्हाट इज द रिलेशन, बोथ आर टचिंग टू ईच अदर, बोथ आर टचिंग टू ईच अदर, तो मैं बोलूंगा ए टू आर, सो दिस इज 4/3 पाई आर अपॉन ए क्यूब विच इज 4/3 पाई इंटू 1/2 का क्यूब, कैन यू टेल मी कितने परसेंट आएगा, कितना आएगा, आई गेस 0.524 कुछ आएगा, 0.524 विच इज इक्वल टू 52.4% समथिंग,
52.4% समथिंग। अच्छा माइक ऑफ हो गया, एम आई कनेक्टेड नाउ, कैन यू हियर मी? आवाज नहीं आ रही। ओके Now I am connected to you. Okay. But don't forget, dear loving audience, मुझे बताओगे इस बेस एरिया को देख के, सिर्फ बेस एरिया को देख के हाउ मच परसेंट स्पेस इज ऑक्यूपाइड? सेवेंटी एट पॉइंट फाइव परसेंट इन द बेस एरिया बट थ्री डायमेंशन में 52.3%। क्योंकि 78.3% क्यों बोला? क्योंकि बेस एरिया में कौन सी लेयर है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, चेक करो माय वॉइस इज फाइन, हेलो, ओके, वॉइस इज ओके ना? ओके, अब जो काम मुझे आपसे करवाना है ना, वो लिटरली क्लास एंड करने तक आपको एक मजेदार चीज बतानी है। हेलो, आई एम फाइन, आई मीन यू पीपल आर एबल टू लिसन टू मी ना? हाँ ठीक है बच्चों, ध्यान से समझो, ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। आप ड्रॉ नहीं कर रहे, this one mini cube is part of this big cube. Check it here. अगर मैं इसको स्टैंडर्ड मान लू, स्टैंडर्ड इस एटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मुझे आप लोगों ने 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 और 1, 8 का डिस्टेंस बताना कितना। डिस्टेंस 1 का 8 के साथ डिस्टेंस, एच लेंथ के टर्म में, ए की टर्म में, 1 का 8 के साथ डिस्टेंस ए, 1 का 2 के साथ डिस्टेंस ए, 1 का 3 के साथ डिस्टेंस ए, 1 का 7 के साथ डिस्टेंस, 1 का 7 के साथ डिस्टेंस, दिस इज स्पेस डायगोनल, तो क्या मैं बोल दूं √2a या a बाय √2? √2a आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर a है
ये डिस्टेंस ए है तो ये हाइपोटेन्यूस रूट टू ए आएगा, मानते हो या नहीं? वन का डिस्टेंस सेवन के साथ, तब ये देखो वन का डिस्टेंस फोर के साथ, वन का डिस्टेंस फोर्थ के साथ, वन का डिस्टेंस सिक्स के साथ फेस डायगोनल, वन का डिस्टेंस सिक्स के साथ। नाउ लास्ट वन का डिस्टेंस फाइव के साथ, दिस इज बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल रूट थ्री ए। क्या मैं ये मान के चलू ना कि ये आपको डिस्टेंसेस सारे पता है, रूट थ्री ए, रूट टू ए? तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा, सुनो सुनो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लिसन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ दिस, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट मतलब जो सबसे साथ में कम डिस्टेंस पे है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस नियरेस्ट नेबर, दिस इज ए, हु इज सेकेंड नियरेस्ट, नियरेस्ट, नाउ द सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस पर रूट टू ए वाले, हु इज फार्देस्ट, हु इज फार्देस्ट रूट थ्री ए। यानी कि मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछा, ए रूट टू ए, रूट थ्री ए, दिस इज डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर। Distance of second nearest neighbor. इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, ये भी लिखना है, रूट थ्री इज डिस्टेंस ऑफ व्हाट, थर्ड नियरेस्ट नेबर या फार्देस्ट, थर्ड नियरेस्ट नेबर। पर ये तो बड़ा आसान है, ये तो बहुत आसान है, इस डायग्राम में मुझे बताना आप, इस डायग्राम में अगर एटम यहां है तो ए डिस्टेंस पे कितने लोग हैं, यहां से ए डिस्टेंस पर नियरेस्ट नेबर पे कितने लोग हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ द नेबर्स एट डिस्टेंस ए, अगर ये एक एटम है, हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स एट ए डिस्टेंस from this atom, atoms are placed at corner, तो इसके a distance पर कौन कौन है, this is one, this is two, if this side is a, this is three, this is four, this is five and this is six, do you agree कि इसको nearest distance a पर ये छह लोग मिलेंगे। और आपने अभी ये relation पढ़ा था, a is 2r, this relation is valid for simple cubic unit cell, जो एटम 2R पे, 2R पे मिलेंगे वो टचिंग होंगे, टचिंग, तो ये इसे टच कर रहा है, भले आपको बीच में डिस्टेंस दिख रही हो पर डिस्टेंस नहीं है, ये इसे टच कर रहा 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 है, टचिंग टचिंग। So this is its coordination number 6. पर look at here, इसके लिए ये डिस्टेंस बताओगे कितनी होगी, ये डिस्टेंस रूट टू ए ये डिस्टेंस रूट टू ए ये
डिस्टेंस रूट टू ए, ये डिस्टेंस रूट टू ए। आपको क्या एक प्लेन दिख रहा है, वर्टिकल प्लेन? अगर मैं ये बोल दूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, जिसका एक एक्सिस एक्स है एक एक्सिस वाई है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो एक प्लेन में, एक प्लेन में इस एटम को रूट टू ए डिस्टेंस पे कितने एटम टच कर रहे हैं, एक प्लेन में इस एटम को रूट टू ए डिस्टेंस पे कितने एटम टच कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे रूट टू ए डिस्टेंस पे कितने एटम है, चार, चार। और थ्री डायमेंशन में कितने प्लेन होते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो टोटल इस एटम को रूट टू ए डिस्टेंस पे कितने एटम्स मिलेंगे, 12। कौन कौन से, लुक एट हियर, क्या इसकी डिस्टेंस इससे बता सकते हो, इसकी डिस्टेंस इससे बता सकते हो, ये फेस है, ये फेस, ये ए है, ये ए है, तो ये फेस वैल्यू रूट टू ए, रूट टू ए, रूट टू ए, रूट टू ए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मिला, हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज से जेड एक्सिस। तो ये कौन सा प्लेन है, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो एक्स जेड प्लेन में चार एटम उसको रूट टू ए डिस्टेंस पे, क्या ये टच कर रहे, आर दे टचिंग, आर दिस टचिंग, नो दे आर नॉट टचिंग। एनी एटम हु इज नॉट एट ए डिस्टेंस ऑफ टू आर, हु इज नॉट एट ए डिस्टेंस ऑफ टू आर, हु इज नॉट एट ए डिस्टेंस ऑफ ए, इज नॉट टचिंग। अब बताओ रिमेनिंग चार कहां है, वाई जेड प्लेन में भी चार कहां है, कौन से लू, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस में, y z प्लेन में वो चार कहां है, क्या मैं इसे बोलूं, इसे बोलूं ये रूट टू ए पे, नहीं ये है रूट टू ए पे, ये रूट टू ए पे बिल्कुल है, यस, क्योंकि ये फेस डायगोनल है, ये फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल, ये रूट टू ए पे है, ये देखो ये फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल, दिखा दिखा, 12 रूट टू ए पे। तो हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स एट डिस्टेंस ए, हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स एट डिस्टेंस ए, नियरेस्ट नेबर एट डिस्टेंस ए आर 6, सेकेंड फार्देस्ट डिस्टेंस इज रूट टू ए, बट हाउ मेनी सच एटम, 12, नॉट चेक इट, रूट थ्री ए पे, बॉडी डायगोनल पे, इस कॉर्नर से बॉडी डायगोनल, इस एक मिनी क्यूब में ऐसे देखो, एक कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल निकलता, एक एक कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल, और ये कॉर्नर कितने क्यूब्स का कॉमन कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल निकलता है, ये कॉर्नर कितने क्यूब्स का कॉमन कॉर्नर है इस पूरी डायग्राम में, 8 क्यूब्स का, क्योंकि यहां 8 क्यूब्स हैं और उसका ये सबका कॉमन कॉर्नर था ना, ये कॉर्नर एक क्यूब का एक कॉर्नर है, पर ये कॉर्नर 8 मिनी क्यूब्स का कॉमन कॉर्नर है, और इस कॉर्नर से एक क्यूब में एक बॉडी डायगोनल आ रहा है, इस कॉर्नर से एक अपने क्यूब में एक बॉडी डायगोनल आ रहा है, और ये कॉर्नर 8 क्यूब्स का कॉमन कॉर्नर है। तो इसके लिए, इसके लिए ये वाला एटम, इसके लिए ये वाला एटम बॉडी डायगोनल बन गया, इसके लिए ये बॉडी डायगोनल बन गया। तो लेट्स से दिस इज ए डैश, ए डैश, हु इज नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट,
दिस, इसके लिए इसके साथ बॉडी डायगोनल पिछले क्यूब में, पिछली साइड में ये बॉडी डायगोनल, हु इज नेक्स्ट दिस, हु इज नेक्स्ट दिस, नेक्स्ट दिस 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 एंड दिस, कि देयर आर एट बॉडी डायगोनल, एट बॉडी डायगोनल पासिंग फ्रॉम वन कॉर्नर इन थ्री डायमेंशन। एक मिनी क्यूब में, एक मिनी क्यूब में एक कॉर्नर से कितने बॉडी डायगोनल आते हैं, एक क्यूब से एक कॉर्नर से कितने बॉडी डायगोनल आते हैं, पर वही कॉर्नर से पूरे स्पेस में, स्पेस में उसी कॉर्नर से पूरे स्पेस में कितने बॉडी डायगोनल जाते हैं, आठ। So, इसका मतलब ए डिस्टेंस पे नंबर ऑफ, ए डिस्टेंस पे नंबर ऑफ एटम्स सिक्स, रूट टू ए डिस्टेंस पे नंबर ऑफ एटम्स बारह, रूट थ्री ए डिस्टेंस पे नंबर ऑफ एटम्स रूट थ्री, राइट। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड ऑफ दिस मीटिंग। नेक्स्ट क्लास में, अब ये ध्यान में रखना, नेक्स्ट क्लास में हम यही काम करने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट साइज में, फेस सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड में, यही सब हमने करना है। यू शुड फील कि आप एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में चले गए और आप बीच में कॉर्नर पे खड़े हो, उधर देख रहे हो कितनी एटम दूरी पे, इधर से एटम कितनी दूरी पे, इधर से एटम, खुद को यहां बिठा देना यहां पे। एंड आई होप कि आपने ये सारी चीजें इस डायग्राम से लिख ली होंगी। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, राइट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं कलरफुल पेन डेफिनेटली यूज करना चाहता हूं, बट आपने मुझे ये बताया कि मेरे इस ब्लैकबोर्ड की ड्राइंग में आपको कलर्स डिस्टिंग्विशेबल नहीं दिखते, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग जस्ट वन पेन, ओके। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। See you in the next class with the hope कि आपको धीरे धीरे solid state interesting लगेगा। Closing the meeting. Thank you so much. Enjoy your